गोंदिया कृष्णपुरा वार्ड निवासी पूर्व पार्षद लोकेश उर्फ कल्लू यादव पर 11 जनवरी को सुबह 11 बजे अज्ञात आरोपियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस प्रकरण में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 13 जनवरी को तीसरे सह दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश यूजे तांबोली के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां उन्हें 22 जनवरी तक 10 दिन की पुलिस हिरासत दी गई है। इस संबंध में शहर पुलिस स्टेशन के अधिकारी कक्ष में जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नागपुर जिले के कर्मेश्वर निवासी गणेश शिव कुमार शर्मा उम्र 21 वर्ष, शिक्षक कॉलोनी कर्मेश्वर निवासी अक्षय मधुकर मानकर उम्र 28 वर्ष, गोंदिया कुम्भारी नगर निवासी धनराज और रिंकू राजेंद्र राउत उम्र 32 वर्ष व गौतम बुद्ध वार्ड निवासी नागसेन बोधी मंतु उम्र 41 का समावेश है। इन 4 आरोपियों की पूछताछ में इस बात की पुष्टि हुई है कि प्रशांत मिश्रा व रोहित मिश्रा के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के दिन इसमें से अक्षय मानकर मोटर साइकिल चला रहा था, जबकि वाहन पर बैठे गणेश शर्मा ने लोकेश यादव पर फायर किया। पुलिस ने कथित मोटरसाइकिल जब्त की है, वही पिस्तौल अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है। जिला पुलिस अधीक्षक पिंगले ने बताया कि आर्थिक लेनदेन की वजह से यह घटना घटी है। पुलिस हर एंगल से जांच करी है और इतना ही नहीं, इस केस में और भी कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है। पुलिस ने इस प्रकरण की 48 घंटों में गुत्थी सुलझा दी है। इस अवसर पर शहर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत सूर्यवंशी, जिला अपराध शाखा के प्रमुख सहित अन्य अधिकारी व पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे। त्याच्यामध्ये गणेश शर्मा वय 21 वर्ष, राणार कळमेश्वर अक्षय मानकर वय 28 वर्ष आई राणार कळमेश्वर, त्याचबरोबर धर्मराज उर्फ रिंकू राजेंद्र राऊत आणि त्याचबरोबर आरोपी नंबर 4 नागसेन बुद्धी म्हणतो या चौघांना आपण अटक केलेली आहे। त्यांना 10 दिवसाची पोलीस कोठडी मिळालेली आहे आणि 22/1/2024 पर्यंत आपल्याला त्यांचं PCR मिळालं। याच्यामध्ये मुख्य आरोपी सद्यस्थितीमध्ये जे काही इन्व्हेस्टिगेशन झालं त्याच्यानुसार जे निदर्शनास येत आहे ते म्हणजे प्रशांत मेश्राम हा मूळचा राहणारा गोंदिया इथलाच आहे। त्याचबरोबर अजून एक आरोपी जो निष्पन्न होतो आहे तो म्हणजे रोहित मेश्राम, तोही मूळचा इथला परंतु सध्या राहणारा हल्ली मुक्कम कळमेश्वर। आतापर्यंत मिळालेल्या आपल्या तपासातल्या आणि प्राथमिक माहिती आणि इंट्रोगेशनमधल्या माहितीप्रमाणे एक राऊंड फायर झाला होता जो जखमीला लागलेला। NBC न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।